नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। नाव में पुलिस का विशेष अभियान, 169 वाहनों का ई चालान, 73 मोटरसाइकिल सीज। उन्नाव में बढ़ती लूट और चोरी की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देश पर थाना पुरवा में एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य चैन स्नेचिंग और लूट की घटनाओं को रोकना और अपराधियों पर शिकंजा कसना है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अखिलेश सिंह और क्षेत्र अधिकारी ऋषिकांत शुक्ला के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सघन क्षेत्रों, हाट बाजारों, सराफा बाजार, बैंकों, पेट्रोल पंपों और प्रमुख स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 169 वाहनों का ई चालान किया गया, जिसमें 3 सवारी बिना हेलमेट और वैध दस्तावेज न होने पर चालान काटे गए। इसके साथ ही 73 मोटरसाइकिलों को सीज कर थाना परिसर में लाया गया। एसपी दीपक भूकर ने बताया कि यह अभियान सिर्फ अपराधियों को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि जनता को सुरक्षा का एहसास कराने के लिए है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। थाना पुरवा प्रभारी राकेश गुप्ता ने कहा कि भविष्य में भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे ताकि अवैध गतिविधियों पर पूर्णतः अंकुश लगाया जा सके। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।